नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम काफ़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कई बार में हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे LED जलती नहीं है और कई बार जलती है तो ख़राब हो जाती है। दोस्तों, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारी जो बैटरी होती है और जो घड़ी घड़ी का सेल होता है उससे हम LED जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि LED को रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 1.770 वोल्ट से लेकर 2.50 वोल्ट की। मतलब कि हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें 1.5 वोल्ट से नहीं मिल पाती, इसलिए हमारी LED ग्लो नहीं करती। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो छोटा जो टॉर्च का बल्ब होता है 3 वोल्ट का होता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं तो वो जलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो जैसे उसमें अगर 1.5 वोल्ट भी जाता है तो वो ग्लो उसके अंदर लाइट ग्लो करती है। लेकिन जबकि हमारी LED होती है उसको कम से कम 1.70 वोल्ट तो कम मिनिमम देने ही पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जल रही है हमारे जो घर घर में जो सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, AAA सेल है, AA सेल है, उससे क्योंकि 1.5 वोल्ट देती है, तो इससे हमारा जो छोटा जो बल्ब होता है वो जलेगा, लेकिन बट LED नहीं जलेगी क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होती है 1.70 वोल्ट की। तो दोस्तों, हम क्या करें इसके लिए, हमें इसके लिए चाहिए 2 सेल। अगर हम 2 सेल लगाते हैं तो सीरीज में, अगर 2 सेल लगाते हैं तो 1.5 × 2 हो जाएंगे 3 वोल्ट। कई बार हम जैसे 3 वोल्ट से भी चलाते हैं तो 3 वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो ये LED ख़राब कर देती है। जैसे हमें इसमें यूज़ करूँगा 9 वोल्ट की बैटरी, जो काफ़ी ईजी अवेलेबल है मार्केट में। देखिए दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला हूँ आपके सामने, जो आपके साथ होता है वो मेरे साथ भी होने वाला है। ये देखिए, मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये प्लस को माइनस इस पर डिपेंड करता है कि आप इसको प्लस पिन को प्लस ही दोगे, माइनस को माइनस दोगे। जैसे इसमें सही पिन अटैच हुई, हमारी LED हल्की सी ग्लो हुई और फिर धीरे धीरे ये बंद होने लगी और आपकी LED गर्म भी होने लगेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी LED ख़राब हो चुकी है, अब ये दोबारा अपनी पुरानी रोशनी में वापस नहीं जलेगी, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज पहुंचने थे उससे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज पहुंच चुके हैं। लगभग इसके अंदर 2 वोल्ट तक भी हम सप्लाई देते तो ये अच्छी ग्लो करती, लेकिन हमने इसमें 9 वोल्ट दे दिए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यह आती है कि हम फिर क्या करें, ना तो हम इसको 1 सेल 2 सेल से जला सकते हैं, 1 सेल से जला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए काफ़ी सिंपल तरीका है, इसमें एक रेजिस्टेंस आती है, काफ़ी सस्ती आती है, वो इसमें अटैच करनी है। रेजिस्टेंस आपको 47 ओम दोस्तों को जो मिल जाए, 1K के अंदर की जो भी रेजिस्टेंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकली हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आप जैसे 47K, 56K, 56 ओम, 47 ओम, 100 ओम, 220 ओम, 470 ओम, वो उससे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हमारी LED काफ़ी अच्छी ग्लो कर रही है। लेकिन आपको हमेशा LED सीरीज में यूज़ करनी है। और जैसे हम इसमें हमारा ग्लास बल्ब लगाते हैं, जो हमारा 1.5 वोल्ट जल रहा था, अगर उसमें 9 वोल्ट देते हैं तो ये देखिए काफ़ी तेज़ जल रहा है, और ज़्यादा देर तक लगाऊंगा तो ये ख़राब भी हो जाएगा। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करनी है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, काफ़ी सिंपल है। ये देखिए दोस्तों, मैं एक LED लेता हूँ। LED पे प्लस माइनस देना बहुत ज़रूरी है, आप पहचान लीजिए कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है। ये मैं आप दिखा रहा हूँ, ये LED है। LED की 2 पिन होती है, एक छोटी होती है और एक थोड़ी सी बड़ी होती है। थोड़ी सी बड़ी होती है दोस्तों, जो बड़ी होती है उसको हमें पॉजिटिव प्लस देना होता है और जो छोटी होती है उसको माइनस देना होता है। जो ब्लैक वाली प्रॉब ब्लैक वाला वायर होता है वो माइनस होता है, और रेड वाला होता है वो प्लस होता है। तो दोस्तों, जो किसी भी आप प्लस में माइनस में एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम आप उसको 1K दे सकते हैं, उससे नीचे भी आप कोई सा वोल्ट दे दीजिए। 9 वोल्ट में 1K दोगे तो थोड़ा बहुत कम ग्लो करेगी, मतलब कि उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। जैसे आप 220 ओम देते हो तो काफ़ी अच्छी ग्लो करेगी, बट आपकी LED भी ख़राब नहीं होगी। ये मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ ड्रॉ करके,
बैटरी का माइनस एलईडी के माइनस से, बैटरी का प्लस एलईडी के प्लस से। कनेक्ट होने के बाद काफ़ी आपकी एलईडी ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, काफ़ी अच्छी चलेगी। यानी कि आप इसमें ले, रेजिस्टेंस में आपको बता देता हूँ, 100 ओम भी आप इसमें ले सकते हैं, 220 ओम भी आप इसमें ले सकते हैं, 56 ओम भी आप ले सकते हैं, अप्रॉक्स मैं आपको बता देता हूँ 47 वोल्ट ओम से लेकर आप इसमें 1K तक भी रेजिस्टेंस सपोर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगानी ज़रूर है। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वही होगा जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा।